वेट गेन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। देखो फैट लॉस जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उतना ही इम्पोर्टेंट है वेट गेन। और देखो जब आपका उम्र 20-25 होता है और आप देखने में 10-12 साल के बच्चे लगते हो और लोग आपको बच्चे बच्चे कह के पुकारने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं, तो अंदर से कैसा फील होता होगा मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्किनी था। और गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप स्किनी बंदे होंगे या आपका बॉडी वेट बहुत ही कम होगा और आपका बॉडी टाइप एक्टोमोर होगा। और एक्टोमोर वो बॉडी टाइप होता है जो लोग बहुत खाना खाते हैं फिर भी उन लोगों का वेट गेन नहीं होता, जैसे मैं या आप लोग। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 बेस्ट टिप जिससे आप फास्ट वेट गेन कर सकते हो, खासकर अगर आप बिगिनर हो तो। और अगर आप वीडियो देखते ही स्किप कर देते हो हाउ टू गेन वेट 7 डेज वेट गेन टेबलेट्स 1 महीने में 10 केजी वेट कैसे बढ़ाए, अगर आप ये सब सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपका कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1 पॉइंट कैलोरी सरप्लस। देखो अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो पूरे दिन भर जो भी आप कैलोरीज खर्च करते हो उससे आपको ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ेगा, और ये आपको 1 या 2 दिन तक नहीं आपको लॉन्ग टाइम तक कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा जब तक आप अपनी ड्रीम वेट तक पहुंच ना जाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें कितने कैलोरी सरप्लस में खाना चाहिए। देखो हर किसी का बॉडी टाइप BMR हाइट वेट एंड एक्टिविटी लेवल अलग अलग होती है, तो आप शुरुआत में 400 या 500 कैलोरी सरप्लस में खा सकते हो। 500 कैलोरी सरप्लस में खाते हो तो एक हफ्ते में आपका वेट 300 या 400 ग्राम के आसपास गेन होगा। और अगर आप फास्ट वेट गेन करना चाहते हो तो आप 700 या 1000 भी कैलोरी सरप्लस में खा सकते हो, पर मैं आपको कहूंगा कि आप एकदम से उतने ज्यादा कैलोरीज को कंज्यूम मत करो क्योंकि आपकी डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है, तो आप 500 कैलोरीज से शुरुआत करो, आप अपनी बॉडी को यूज टू होने दो। एक चीज आप ध्यान में रखना, जो भी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो ना वो हेल्दी फूड आइटम के थ्रू आना चाहिए, ना कि अनहेल्दी फूड। नेक्स्ट टिप्स जो आपकी वेट गेन करने में हेल्प करेगी वो है लो वॉल्यूम फूड। देखो लो वॉल्यूम वो फूड आइटम होती है जिनमें कैलोरीज बहुत हाई होती है, आप कम से कम फूड को कंज्यूम करके आप अपनी कैलोरी सरप्लस को इजीली पूरा कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे पिज्जा बर्गर इनमें भी तो बहुत हाई कैलोरीज होते हैं, तो ये सब कंज्यूम करके भी हम इजीली कैलोरी सरप्लस गोल पूरा कर सकते हैं। नहीं, पिज्जा बर्गर इनमें कैलोरीज तो होते हैं पर इनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम होती है, आपको वो फूड आइटम खाना है जिनमें कैलोरीज तो हाई हो एंड उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी पूरी हो, जैसे लाइक ड्राई फ्रूट्स, नट बटर, पीनट, हेल्दी ऑयल, होल मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो इस तरह की कैलोरीज डेंस फूड खाने से आपका वेट गेन जर्नी बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट लिफ्ट वेट। देखो वेट गेन के चक्कर में हमारा ध्यान सिर्फ खाने पर ही होता है और हम वर्कआउट को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में अननेसेसरी फैट गेन हो जाती है। इसीलिए आपको ध्यान देना है जितनी भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हो उसे यूज करनी है लीन मसल टिश्यू बनाने में। तो गाइस खाने के साथ साथ आपको वर्कआउट भी करना बहुत जरूरी है, और आप वर्कआउट में करोगे स्टेंस ट्रेनिंग, और मैं आपको कहूंगा आप वर्कआउट में कॉम्पाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, लाइक स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, साथ ही आप थोड़ा हेवी लिफ्ट करने की कोशिश करें, आप 8-10 रेपिटेशन की एम रखें एंड आपका जो बिटवीन सेट जो आपका रेस्ट होगा वो 2-3 मिनट होगा। और गाइस कार्डियो की बात करें तो आपको कार्डियो को उतना इम्पोर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 2 दिन लो बेस कार्डियो कर सकते हो ताकि आपका हार्ट हेल्थ सही रहे। और अगर आप मेरी तरह गांव से हो तो आपको कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग गांव से होते हैं ना वो लोग दिन में 3-4 हज़ार स्टेप तो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर आप गांव से हो आपको जरूरत नहीं है कार्डियो करने की। तो आप हफ्ते में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे और 2 दिन लो बेस कार्डियो करोगे और आप 2 दिन रेस्ट लोगे, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट गेन करने के लिए। नेक्स्ट लर्न द राइट ईटिंग पैटर्न। देखो अगर आप वेट गेन करना चाहते हो ना तो आपको बार बार खाने की आदत बनानी पड़ेगी, मतलब आपको हर 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको खाने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते हो ना तो आपकी बॉडी स्टोर एनर्जी को यूज करने लगती है, जिससे आपकी वेट गेन होने की वजह आपकी वेट कम होने की चांसेस हो जाती है। तो दिन भर 3 बड़ी और 3 छोटी स्नैक मील आपको कम से कम करनी पड़ेगी, मतलब दिन भर आपको कम से कम 6 मील आपको लेना पड़ेगा, और पूरे दिन भर आप जो भी मील लोगे उनमें सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट का होना बहुत जरूरी है। और आप कोशिश करो वो फूड आइटम चूज करने की जिनमें
हाई कैलोरी सोप जैसे ड्राई फ्रूट्स, स्मूदीज, मिल्क शेक, पीनट बटर एटसेट्रा। नेक्स्ट, डोंट ओवरथिंक अबाउट प्रोटीन। देखो हमारा ध्यान सिर्फ प्रोटीन पर ही होता है। हाँ मैं मानता हूँ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसल बिल्ड करने के लिए या वेट गेन करने के लिए। देखो जब आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन को कंज्यूम करने लगते हो ना तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, जिससे आपको भूख कम लगता है। और अगर आपको भूख नहीं लगेगा तो आपको खाना खाने को मन नहीं करेगा, और अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो कैलोरी सरप्लस में कैसे रहोगे, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप 1.5 या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी कंज्यूम करते हो ना वही इनफ होता है, मतलब आपकी टोटल कैलोरीज का 30-35% प्रोटीन से आना चाहिए। और आप कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमें एनर्जी या ऊर्जा प्रोवाइड करती है। तो आपकी टोटल कैलोरीज में से 50-60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आना चाहिए। बस आप एक चीज ध्यान में रखो, आप कार्बोहाइड्रेट के नाम पे रिफाइंड कार्ब मत खाओ, आप हेल्दी कार्ब खाओ लाइक राइस, पोटेटो, स्वीट पोटेटो, ओट्स एटसेट्रा। तो गाइस वेट गेन करने के लिए प्रोटीन को इम्पोर्टेंट देने के साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट को भी इम्पोर्टेंट दो। भाई आज तो मेरा डाइट पूरा क्लियर है, मैंने सब कुछ खाया। अरे वाह, सच में? हाँ सच में मैंने सब कुछ खाया। तो बता आज तूने क्या क्या खाया? अंडा, सोयाबीन, पनीर, ओट्स, पीनट बटर और 4 बनाना भी खाया है। और तू कितने कैलोरीज खाता है दिन भर? 3000। ये देख तेरा अभी सिर्फ 2000 कैलोरीज ही हुआ है। क्या बात कर रहे हो, इतना कैलोरीज खाने के बाद भी सिर्फ 2000 कैलोरीज ही पूरा हुआ है? हाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ तू जो भी खाना खाता है ना उसे नोट डाउन करके रख, और इसके लिए तू माई फिटनेस वाल यूज कर सकता है। और जो भी तू खाना खाता है ना उसे मेजर करके खाने की कोशिश कर, ताकि तुझे पता चले तू कैलोरी सरप्लस में खा रहा है या नहीं। अगर ऐसे ही खाता रहेगा ना तो जिंदगी भर तेरा वेट गेन नहीं होगा, तू स्किनी का स्किनी रह जाएगा। गाइस ये जो टिप्स है बहुत लोग है जो इसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे, पर वेट गेन करने के लिए ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस आज का वीडियो मेरा यहीं पर खत्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्डर एंड रेस्ट हार्डर। लव यू ऑल।